हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। जैसा कि मालूम है आप सभी को गाइस, के डेली मॉर्निंग में 7:15 पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट सेशन करते हैं 40-45 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि कवर करते हैं। आज है 15th ऑफ नवंबर। हमेशा की तरह दोस्तों अपना जो पर्पस है वो यही है कि जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हो सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में, वो सारे के सारे हैं जो कि हम लोग डिटेल में कवर कर सकें, उनका हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल हर एक व्यू पॉइंट है जो कि देख सकें, हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स जो कि समझ सकें, ताकि आपके इंटरव्यू के अंदर, आपके मेंस में, आपके प्रीलिम्स के अंदर, हर एग्जाम में जो है वो आपके सवाल जो कि बन सकें और डे बाय डे जो है आप जिंदगी में आगे बढ़ सके। ऑलराइट, तो 15th ऑफ नवंबर के आज के जो सुबह के न्यूज़पेपर है उनमें कई सारे आर्टिकल्स हैं जो कि आए हैं जो कि हमारे लिए जरूरी हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करता हूं द हिंदू, तो तीन आर्टिकल आपको आज देखने को मिलेंगे। एक आर्टिकल आपको इंडियन एक्सप्रेस में से मिलेगा, एक आर्टिकल आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस में से मिलेगा, और पीआईबी पीआरएस की बात करें तो 5 आर्टिकल है जो कि आपको यहां पे मिलेंगे। तो नियर बाय 10 आर्टिकल आज भी हम लोग कवर करने वाले हैं। 30 से 40 मिनट का ये सेशन है जो कि होने वाला है। सबसे पहले आज लास्ट डे है दोस्तों क्लास 24 के ऊपर डिस्काउंट का। आज अपने आज भाई दूज है, तो आप लोगों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में लास्ट डे, कल से क्लास 24 पे आपको किसी भी कोर्सेज में डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, तो आज जाके रेफरल कोड D15 है जो कि लगा लेना, ठीक है। आपको अगर मेरे नोट्स चाहिए तो मेरे नोट्स भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा जितने भी अपने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, SSC, रेलवे, आपके CTET है, इसके अलावा आपका UGC NET है ना, अगर आपको कोई स्किल ट्रेनिंग करनी है, स्किल सीखनी है, सब कुछ आपको क्लास 24 पे अवेलेबल है। PDF आपको ये वाली क्लास 24 पे मिल जाएगी। डेली के आपको क्विज भी जो है वो अवेलेबल हो जाएगा करंट अफेयर का, 20 क्वेश्चन का क्लास 24 पे। ऑलराइट, आज का कोट ऑफ द डे, ख्वाहिश भले छोटी सी हो लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी सा होना चाहिए। ऐसा ही होता है ना कि हर किसी की ख्वाहिशें अलग अलग प्रकार की होती है। किसी को लगता है कि किसी और की ख्वाहिशें बहुत छोटी है, किसी को लगता है कि उसकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी है। कोई बोलता है मैं तो ये वाला एग्जाम क्रैक करूंगा, कोई बोलता है मैं ये वाला एग्जाम क्रैक करना है ना, सारी रिलेटिव चीजें होती है। लेकिन यकीन मानिए, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो भी वो गोल अपना डिसाइड करता है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे वो UPSC का एग्जाम हो, चाहे फिर वो कोई IIT हो, नीट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान के लिए अपना गोल जो है वो सर्वोत्तम होता है, सर्वप्रिय है जो कि होता है। आपकी अपनी जिंदगी की एक रोड है जो कि आप बनाते हो, उसके ऊपर आप चलने की कोशिश करते हो। कुछ छोटा बड़ा जो है वो नहीं होता है। आपको इंपॉर्टेंट है कि आपने जो सोचा है कि वो आप अचीव करने के लिए अपनी जिंदगी में मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, समझ गए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि अपने दिल को जो है ना थोड़ा जिद्दी बनाना सीखो। अगर कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो ना, उसको कंटिन्यूस करने की कोशिश करो, मेहनत करने की कोशिश करो, अचीव कर लो, उसके बाद आपको लगता है कि कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, आगे लाइफ में नेक्स्ट कौन सा गोल डिसाइड करना है वो भी कर लेना। लेकिन सबसे पहले अपने आप को थोड़ा जिद्दी बनाना सीखो। बार बार पे छोड़ने लगोगे ना हर चीज़ को, तो छोड़ते ही चले जाओगे और धीरे धीरे ये हमारी हैबिट है जो कि बन जाती है, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं आज के फ्रंट पेज की। सबसे पहले तो होलसेल प्राइस को लेकर बताया गया है। होलसेल प्राइस जो है वो कम हो गई, आपको मालूम है ना। होलसेल प्राइस होती है एक रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल प्राइस होती है ना, जिसको जो कि कंज्यूमर को मिलता है। तो होलसेलर के ऊपर जो प्राइसेस मिलती है उसके अंदर थोड़ा गिरावट आई है, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन भी हमने कल परसों देखा था कि उसमें भी गिरावट आई है। यानी कि कुल मिला के महंगाई है जो कि थोड़ी कम हो गई है, अच्छी बात है। अक्टूबर महीने का डाटा है जो कि यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों डाबर ग्रुप के जो चेयरपर्सन है, काफी फेमस पर्सन है, गौरव बर्मन है ना, वो भी दोस्तों फंस गए महादेव ऐप के इशू के अंदर। इनफैक्ट साहिल खान एक बहुत बॉलीवुड के एक फेमस एक्टर हैं, और भी कई सारे लोग हैं जो कि इसके अंदर फंस गए। कई सारे लोगों के खिलाफ एलिगेशन है और इनके खिलाफ इंक्वायरी है जो कि हो रही है कि इन्होंने भी उसके अंदर काफी पैसा लगाया, लोगों को मोटिवेट किया, पैसा लगवाया उसको लेकर है। तो डाबर ग्रुप अपने आप में काफी फेमस है, उसके चेयरमैन भी अभी अंडर आ गए हैं। यहाँ पे दोस्तों इसराइल की जो आर्मी है उसने कहा है कि उसने कंप्लीट फलस्तीन को कब्जे में ले लिया है, क्योंकि जो फलस्तीन का पार्लियामेंट है, वहां का हेडक्वार्टर है, पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, सबको कंट्रोल में इसराइल आर्मी ने कर लिया है। 1 महीने के आसपास है जो कि इनको लड़ाई करते हुए हो चुका है, और ठीक है अभी आप देखोगे तो कंप्लीट कंट्रोल है जो कि हमास की पार्लियामेंट के ऊपर हो चुका है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसराइल और गाजा की, तो ये वेरी फर्स्ट डे ही डिफाइंड था कि इसराइल ज़्यादा टाइम तक जो है वो इस हमास ग्रुप को टिकने नहीं देगा। बहुत ही स्ट्रांग है कंपैरेटिवली, पता नहीं क्या सोच के हमास ने अटैक किया और बिन बात ही जो है अपनी मौत को बुला लिया, और अब इसराइल जो है वो बिल्कुल रुकने को तैयार नहीं है। पूरा जो नॉर्दर्न गाजा है वो पूरा कब्जे में ले लिया है, जनता जो है वो सदन वाले एरिया में ले रही है। अभी ये सदन के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, वहां पे 10,500 लोगों की डेथ है जो कि नियर बाय हो चुकी है, और अभी ये वहां पर भी बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जो कि आने वाला है। यहां पे बात करें तो 40 म्यांमार के सोल्जर हमारे मिजोरम में घुस गए थे, लेकिन हमारी आर्मी ने उनको वापस है जो कि भेज दिया अपने कंट्री के अंदर। प्रॉब्लम क्या हुई है,
आपको मालूम है अथॉरिटेरियन वहां पे डिक्टेटरशिप है जो कि म्यांमार के अंदर है। जब डिक्टेटरशिप होती है तो भी कई सारे इंसर्जेंट मिलिटेंट ग्रुप है जो कि बन जाते हैं, जिनके साथ कुछ सही नहीं होता है। तो वहां पे प्रो डेमोक्रेसी को लेकर कई सारे मिलिटेंट ग्रुप बन चुके हैं। उसी ग्रुप में से एक ग्रुप ने जो है वो अटैक किया और उसमें से 40 म्यांमार के जो सोल्जर है वो मिजोरम के अंदर एंटर हो गए थे, लेकिन जिनको हमने वापस से भेज दिया, क्योंकि इस तरीके से अगर हम लोग वापस एंटर लेने लग गए तो काफी बड़े प्रॉब्लम ऑलरेडी हमारे वहां पे बॉर्डर पे चल रहे हैं, मणिपुर मिजोरम वाला इशू ऑलरेडी है और ये इशू जो है वो हम लोग नहीं देख सकते, इसलिए हमने उनको वापस से भेज दिया। 2 सोल्जर और है जो घुसे हुए 24 घंटे में, उनको भी पकड़ के वापस से भेजा जाएगा। यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर जो टनल है जो कि कलेप्स हो गया था उसको लेकर बताया गया, तो यहाँ पे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन है जो कि चल रहा है। ये आपका पूरा फैन पेज है, हमारे लिए कुछ भी खास ऐसा नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 10 पे, जहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं क्रिमिनल लॉ बिल को लेकर। देखो आप सबको मालूम होगा कि अभी हमने IPC जो कि ब्रिटिश एरा का दोस्तों कानून था उसको चेंज करके हमने भारतीय संहिता जो है ना भारतीय न्याय संहिता बिल है जो कि हम लोग अभी रिसेंटली लेके आए उसको चेंज कर रहे हैं। पहले वाले में क्या था कि जब हम लोग बात करते हैं ना डेथ पेनल्टी की, तो पहले आईपीसी के अंदर ऐसे 7 क्राइटेरिया थे जिसके तहत डेथ पेनल्टी दी जाती थी। अभी भारतीय न्याय संहिता में 7 से बढ़ाकर इसको 11 है जो कि कर दिया गया है, सॉरी पहले 11 थे, अभी 11 से बढ़ाकर इसको 15 कर दिया है। हालांकि डेथ पेनल्टी को लेकर पूरी दुनिया और भारत हम लोग भी यूएन के अंदर जो है वो अगेंस्ट वोट किया था कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, है ना, लेकिन अभी जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर कुछ रिवर्स है जो कि तेजी देखने को मिली है, उसको लेकर काफी डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर और बाकी सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स भी जो है वो कर रहे हैं कि क्या हमें डेथ पेनल्टी वाले इश्यूज बढ़ाने चाहिए या फिर कम करने चाहिए, क्योंकि हमने अबॉलिश करने के लिए दोस्तों बोला था यूएन के अंदर डेथ पेनल्टी को। दुनिया के जितने मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज देखो कि वो डेथ पेनल्टी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ऐसा क्राइम करता है तो उसको लंबे टाइम तक जेल में रखने का प्रावधान सबके देश में है, लेकिन उसको मारने का प्रावधान जो है वो बहुत ही कम देशों के मतलब डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कम देखने को मिलता है। इसी वजह से हमने भी जो है वो अबॉलिश करने के लिए यूएन के अंदर जो है वो वोट है जो कि किया था, समझ गए। NLU दिल्ली के अंदर जो है स्टडी करी गई जिसमें बताया गया 2022 के अंदर प्रोजेक्ट 39A एक नाम है जिसको बोला गया कि 2022 31 दिसंबर तक, अगर मैं इस साल के लास्ट तक, अगर मैं पिछले साल के लास्ट तक अगर मैं बात करूं तो नियर बाय 540 प्रिजनर्स को डेथ पेनल्टी जो कि इंडिया में दे रखी है ना, और ये सबसे ज्यादा है 2016 के बाद से, 550 लोगों को डेथ पेनल्टी है। ओके चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक जो मिनिस्टर्स हैं सॉरी उन्होंने डिसेंट नोट भी यहाँ पे दिया है कि उनका कहना है कि हमें डेथ पेनल्टी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कोई इनोसेंट को भी जो है ना वो कोई ना कोई कन्वर्ट है जो कि कर देता है, किसी को एविडेंसेस दिखा के या किसी के फेक एविडेंसेस दिखा के, तो कई बार जेल में चले जाते हैं लोग, तो उनको पूरा मौका है जो कि मिलना चाहिए। अब अगर उसको डेथ पेनल्टी मिल गई तो फिर वो उसको मौका बोलने की तो कभी मौका मिल ही नहीं पाएगा। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ऐसा बोलते हैं कि भाई डेथ पेनल्टी को अवॉइड करना जरूरी है, ठीक है, तो यही पूरा इश्यू है यहाँ पे बताया गया है। अगर आप देखोगे दोस्तों प्रिजनर्स हमारे डेथ रो के अंदर, तो इस साल हर साल इस प्रकार के फैसले हैं जो कि डेथ पेनल्टी के दिए जाते हैं। 2016 में 400 लोगों को डेथ पेनल्टी की सजा दी गई, 17 में 350, नॉर्मली इतना ही है, और 2022 के अंदर जो है वो 539 ये मैक्सिमम है आज तक के इतिहास में जिसमें सबसे ज्यादा डेथ पेनल्टी है जो कि दी गई है। डेथ पेनल्टी किसके तहत मिलती है, कौन सा है सेक्शन, शख्स बताओ, 354 ही तो है, 354 हाँ 354 सेक्शन CRPC का जो है उसके सेक्शन 5 में मैक्सिमम पेनल्टी के बारे में जानकारी दे रखी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मैं प्रिजनर्स की प्रोफाइल के बारे में देखें, हमारे देश में प्रिजनर्स की प्रोफाइल कैसे रही है, तो 74% ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिकली वल्नरेबल है, यानी कि बहुत ही गरीब तबके से थे जिनके पास पैसा नहीं था, 76% बैकवर्ड क्लास और रिलीजन माइनॉरिटीज थे, 23% कभी स्कूल नहीं गए, 61% ने कभी भी अपना सेकेंडरी स्कूल कंप्लीट नहीं किया, है ना, और 63% के जो थे उनके फैमिली के अंदर सोल अर्नर वही थे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे ना तो एजुकेशन इसके अंदर बहुत बड़ा कारण है, 60% लोग वो थे जो कभी स्कूल गए नहीं, तो अगर एजुकेशन मिल जाती है तो इकोनॉमिकली भी वो ठीक हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे ना तो ये सारे इश्यूज जो है ना
अगर एजुकेशन से रिजॉल्व है जो कि हो सकते हैं, और अगर वो एजुकेटेड होते तो शायद इतना बड़ा क्राइम है जो कि नहीं करते। डेफिनेटली देखो क्राइम तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका साइकोलॉजिकली ऐसा डेवलपमेंट होता है कि वो क्राइम करते ही करते हैं, चाहे वो कितने पढ़े लिखे हो जाए। लेकिन नॉर्मल केसेस के अंदर अगर आप डेटा के हिसाब से देखोगे, फैक्ट के हिसाब से देखोगे, तो एजुकेशन बहुत चीज़ों को रोक सकती है, है ना। एजुकेशन ही सोल्यूशन है जहाँ पे अगर आप देखोगे, जिससे एक इंसान जो है वो एक बेहतर इंसान, बेहतर सिटीजन, बेहतर पर्सन जो कि बनता है। समझ गए। टोटल नंबर ऑफ डेथ सेंटेंस ट्रायल कोर्ट के अंदर 1400 के आसपास पेंडिंग है, यूपी में मैक्सिमम, बिहार, उसके बाद में कर्नाटका। फीमेल प्रिजनर्स जो है वो टोटल 12 है, ठीक है। हाई कोर्ट भी जो है वो 132 और आर्टिकल 134 के तहत जो है ऐसे केसेस को देख लेता है। ये पूरा का पूरा डाटा है। पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे कि कहां पर डेथ पेनल्टी है जो कि दी जाती है, तो जितने भी रेडिश और डार्क कंट्रीज देखोगे तो वहां पे आपको प्रैक्टिस ये देखने को मिलेगी। अब वाले जिन्होंने डेथ पेनल्टी को हटा दिया है वो मेजरली यूएसए, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, है ना, वेस्ट एशियन कंट्रीज, और अफ्रीकन वाले, साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलिया, ओशियानिया, ये वाले रीजन वाले कंट्रीज आपको देखेंगे जहां पर उन्होंने अबॉलिश कर दिया है डेथ पेनल्टी को। दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना है, इजिप्ट, इराक, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम लोग भी दोस्तों टॉप 10 के अंदर, अखबार 2018 के अंदर डेथ सेंटेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किन किन केसेस में दोस्तों डेथ पेनल्टी दी जाती है, अगर आप, ठीक है, जैसे कि सबसे पहला इशू कौन सा है, सेक्शन 121, अगर देश के खिलाफ किसी ने जंग छोड़ दिया तो उसको डेथ पेनल्टी है जो कि मिल सकती है। दूसरा, अगर उसने म्यूटिनी, रिवोल्ट है जो कि सरकार के खिलाफ या फिर देश के खिलाफ कर दिया, है ना, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है, तो सेक्शन 135 जिसके तहत ये डेथ पेनल्टी है जो कि दी जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे लोग, है ना, किसी इनोसेंट को बेचारे को फंसा देते हैं, उसको इविडेंसेस करवा के पुलिस के माध्यम से, है ना, कई फॉल्सली, और उस आदमी के बेचारे की डेथ भी हो जाती है। ऐसे केस में अगर कोई पकड़ा जाए तो उसको भी डेथ पेनल्टी का प्रावधान है। मर्डर तो है ही है, 302 सेक्शन, वो तो सबको मालूम ही है, है ना। इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे कि अबॉलिशमेंट ऑफ सती, सती का अबॉलिशमेंट हो चुका है ना, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रमोट करता है, अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको भी डेथ पेनल्टी का प्रावधान है। एसटीएससी एक्ट के अंदर भी है, अगर कोई फॉल्स एविडेंसेस देकर किसी इनोसेंट मेंबर को जो एसटीएससी से बिलोंग करता है उसको डेथ पेनल्टी अगर है ना, उसको अगर वो हो जाए, डैमेज हो जाए, जेल हो जाए, तो भी इस केस में डेथ पेनल्टी है जो कि मिल सकती है। रेप 12 साल से नीचे की किसी भी बच्चे का पॉस्को एक्ट के तहत। इसके अलावा अगर कोई फिनेंसिंग प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे कोई ड्रग्स है जो कि बेच रहा है जो कि बहुत ज़्यादा साइकोपैथिक है, है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, तो नारकोटिक एक्ट के तहत उसको भी डेथ पेनल्टी है जो कि मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अनलॉफुल एक्टिविटीज, जिसको हम लोग टेररिज्म कहते हैं, उसके तहत भी डेथ एक्टिविटी है जो कि मिलती है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास में भी पावर है कि वो भी डेथ पेनल्टी है जो कि दे सकती है, ठीक है। ये सारे के सारे एक्ट हैं जिसके अंदर इसके बारे में चर्चा करी गई। डेथ पेनल्टी नॉर्मली मिलती है, अभी पहले 11 थे, अभी उसको बढ़ा के भारतीय न्याय संहिता में 15 करने के लिए चर्चा करी जा रही है। इसमें एक और केस है बहुत ही फेमस, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, है ना। ये केस है 1980 का, जिसमें एक कॉन्सेप्ट है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। कई बार क्या होता है कि इस मुद्दे पे बहुत चर्चा होती है कोर्ट के अंदर कि क्या इस आदमी को डेथ पेनल्टी डिजर्व करता है कि नहीं करता है, क्योंकि क्या है, बहुत ही थिन लाइन होती है, दो मर्डर, एक मर्डर, किसी ने दो मर्डर कर दिया, किसी ने एक कर दिया, अब क्या एक वाले को मिलनी चाहिए या दो वाले को भी मिलनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो कि आपको कोर्ट में देखने को मिलते हैं। तो इसमें एक नया एलिमेंट है जो कि ऐड किया गया था, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जो आपके क्लैट और बाकी जो एग्जाम है, जो जुडिशियल एग्जाम है, वहां पर इसके बारे में बहुत चर्चा होती है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि ये ऐसे केस जो कि कभी देखने को नहीं मिलते, बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज होते हैं ना, जिसमें ऐसा लगता है कि यार ये आदमी ऐसे कैसे कर सकता है, मतलब, है ना। अभी भी राजस्थान के अंदर भी अभी एक कल को किसी को मिली है, एक डेथ पेनल्टी मिली है, केरला के अंदर भी मिली है एक, है ना, एक बहुत ही हीनियस मर्डर करने के चक्कर में। तो ऐसे केसेस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर है जो कि माना गया है ना, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एक और केस था स्टेट ऑफ पंजाब में, मच्छी सिंह करके है, मच्छी सिंह के अंदर फंडामेंटल राइट के बारे में बात करी थी, आर्टिकल 21 के बारे में, है ना, मर्डर के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 12, यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, सहारा ग्रुप के बारे में बात करेंगे। सुब्रत रॉय का नाम आपने सबने सुना ही होगा दोस्तों, है ना, 75 साल की उम्र में कल इनके बॉम्बे के अंदर डेथ हो गई, काफी टाइम से जेल में थे, पैरोल के ऊपर भी निकले हुए थे। सहारा इंडिया दोस्तों, आपने ये नाम बहुत ही फेमसली सुना होगा, इंडियन जर्सी के ऊपर हुआ करता था, एक जमाने में इनके पास एयरलाइंस होती थी, बड़े बड़े होटल्स होते थे, बड़े बड़े रिसॉर्ट्स होते थे, है ना, मतलब टेलीविजन चैनल था एयर सहारा, पूरी की पूरी एयरलाइंस थी इनके पास में, फाइनेंशियल और रियल एस्टेट की कंपनीज थी। अंबे वैली प्रोजेक्ट दोस्तों, पूरा एक शहर है जो कि बसा रखा है पुणे से
अगर आप देखोगे 50-100 किलोमीटर दूर है अंबे वैली, बहुत ही लग्जरियस, बहुत ही बड़ा है, ठीक है, लोनावाला के पास में महाराष्ट्र के अंदर। तो इस तरीके के बहुत खतरनाक बिजनेस, मतलब सहारा श्री नाम से ये जाने जाते थे खुद की इन्होंने, मतलब रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा नौकरियां अपने एजेंट्स को देश में इन्होंने दे रखी थी, मतलब 11-12 लाख लोगों को ट्रेन कर रखा था, सब कपड़े पहनते थे, जय मुकेम्बो टाइप से इनका एक ऑरा बन चुका था, जय है ना सहारा श्री नाम से लोग इनको पुकारा करते थे। जैसे प्रेसिडेंट हाउस है इसी प्रकार का हाउस इन्होंने बना लिया था और बहुत गरीब लोगों का पैसा खाया है, मतलब इतना गरीबों का पैसा खाया है कि टोटल मिला के 24,000 करोड़ से भी ऊपर का पहुंच गया है ना। चिट फंड कंपनी है जो कि बनाई थी सुब्रत रॉय को, समझ में आ गया था कि भारत में गरीबी है, थोड़ा थोड़ा पैसा भी लोगों से लेना चालू करेंगे अगर इन्वेस्टमेंट के नाम पे तो अपने आप हम लोग आगे निकल जाएंगे। तो इन्होंने चिट फंड जो है वो कंपनी बना दी कि भाई एक से पैसा अलग हुआ वो डबल इंटरेस्ट उसको चुकाएगा। अब क्या होता है ऐसी चिट फंड कंपनीज में एक लेवल पे आके वो अटक जाती है क्योंकि और आगे लोग नहीं बढ़ पाते। आप अपने एक भाई आपने 5 दोस्तों से पैसा लेकर 10 लोगों से 5 दोस्तों को पैसा चुका दिया तो 5 तो खुश हो गए, फिर ये 5 जो है वो अपने 5 को रिकमेंड करेंगे कि देखो मेरा पैसा भी मुझे भी अच्छा इंटरेस्ट मिला है तुम भी इनको दे सकते हो। ऐसे करते करते इन्होंने 2 से 3 करोड़ लोगों के मतलब पैसा है जो कि इन्वेस्ट करवा लिया, गांव-गांव तक गरीबों के बहुत सारे लोगों के मतलब पैसे हैं जो कि इन्वेस्ट करवाया और बाद में पता लगा कि एक बहुत बड़ा स्कैम था। उसके बाद में सारी कंपनियां डूबती गई। मतलब मुझे याद है 2011-12 के टाइम पे एक बर्थडे था घर में इनके, तो प्रेसिडेंट से लेकर अब पूरी इंडियन क्रिकेट टीम, पूरा बॉलीवुड, पूरे पॉलिटिशियंस, ऐसा कोई भारत का सेलिब्रिटी नहीं था जो इनके बर्थडे के अंदर नहीं था। बर्थडे पार्टी की बात कर रहा हूं, मतलब ऐसे हालात थे। एक बच्चा बोल रहा है शिवा कि सर मेरे फैमिली का भी पैसा खा रखा है। अरे मैं बता रहा हूँ 3 करोड़ लोगों के पैसा जो कि ले रखा था। तो फाइनली जो है अभी इनकी डेथ जो कि हो गई है और सहारा इंडिया एयर सहारा जो है, एयर सहारा जो इनकी एयरलाइन थी वो 1993 के अंदर जो कि ऑपरेशन करी गई थी, बाद में जेट एयरवेज को बेच दिया गया था। उसके बाद में धीरे धीरे इनके बिजनेस जो कि बिकते चले गए, ठीक है। सहारा इंडिया परिवार नाम से इन्होंने अपनी एक ग्रुप है जो कि बना रखा था। अभी भी इनका ग्रुप तो बोल रहा है कि बहुत इंस्पिरेशनल थे, फलाना थे, ढिबका थे, विजनरी थे, लीडर थे, है ना। अभी भी कुछ कंपनियां तो खैर इनकी चल रही है लेकिन हालत बहुत ही खराब है। अगर आपको इनके बारे में जानना है देश के बैड बिलियनियर्स के बारे में तो नेटफ्लिक्स ने एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर बना रखी है, एक डॉक्यूमेंट्री बना रखी है बैड बिलियनियर्स के नाम पे, जहां पे आपको क्या बोलते हैं द किंग ऑफ गुड टाइम्स क्या नाम है किंगफिशर माल्या साहब के पूरे जीवन के बारे में बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। सेकेंड सहारा श्री सुब्रत रॉय है ना, और वर्ल्ड बिगेस्ट फैमिली के नाम से। इसके अलावा द डायमंड इज इन फॉरएवर, डायमंड इज इन फॉरएवर मतलब है ना, बोलते हैं ना हीरा है सदा के लिए, तो वो सदा के लिए हीरा लेके निकल लिए नीरव मोदी, इनकी भी स्टोरी है। और लास्ट में दोस्तों सत्यम कंप्यूटर्स राजा मालू ऐसा कुछ करके इनका नाम है, राजा करके राजा मालू कुछ करके है ना इस तरीके से। तो ये चारों की स्टोरीज है जो कि बता रखी है बैड बिलियनियर्स नाम से, बहुत ही सही डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ में खेला और वो सब इसके अंदर बताया, ठीक है। इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए पता है सेबी के पास में 1000 मतलब कितने ट्रक्स टोटल मिला के 116 ट्रक या कुछ ऐसे 128 ट्रक है जो कि भेज दिए थे सेबी को। जब पता लगा कि ये बहुत ज्यादा मतलब इन्होंने करप्शन किया हुआ है, बहुत ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, तो जब डॉक्यूमेंट्स मांगे तो उनको बेवकूफ बनाने के लिए 128 ट्रक भेज दिए डॉक्यूमेंट के भर भर के। उन कागजों में कुछ भी नहीं था, मतलब सारे फेक थे, लेकिन देखने तो पड़ेंगे ही, मतलब सरकारी कर्मचारियों के कई महीने निकल गए उन डॉक्यूमेंट को चेक करने के चक्कर में। 31,000 कार्टून है जो कि भेज दिए थे पेपर के, 24,000 रिफंड करना था, 3 करोड़ लोगों के पैसे खा रखे थे और है ना ये सब कहानियां। ये पूरे के पूरे इवेंट्स हैं। 2012 के अंदर फाइनली इनका वर्डिक्ट जो कि आया था 15% इंटरेस्ट का जो कि इनको देकर 24,000 करोड़ जो कि चुकाने थे, थोड़े बहुत ही चुका पाए, बाकी नहीं चुका पाए। चलिए नेक्स्ट है पेज नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों। 14 की बात करें तो हमारे लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हम लोग एक और बात करेंगे एक और बड़े टाइकून बिजनेस उनकी भी डेथ हुई है, बिकी की। बिकी कौन है? बिकी एक तो ये इशू है, एक तो ये वाली, और ये दो न्यूज हमारे लिए जरूरी है। हाँ एक और है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। देखो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, 20 ऐसे जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स है ना उनको, उनके जो ब्लॉक्स हैं, उनकी जो माइंस हैं, उनको ऑक्शन करने की शुरुआत है जो कि हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल हमारे लिए बहुत जरूरी हो चुके हैं।
आपको मालूम है आज के टाइम पे सोलार से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर सेमीकंडक्टर से लेकर जो भी आज के टाइम पे रिसेंट टेक्नोलॉजी से सब जगह पे क्रिटिकल मिनरल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में 60-70% चाइना ही एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अब सबको समझ में आने लग गया है चाइना ने कभी क्या कर दिया, रिसेंटली बैन लगा दिया क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट के ऊपर ताकि वो प्राइसेस बढ़ने देगा, खुद काम में ले रहा है, बोल रहा है कि सिक्योरिटी की वजह से मैंने बंद कर दिया अभी एक्सपोर्ट करना। अब सारे देश डिपेंडेंट है उनके ऊपर, अब बहुत ही महंगे खरीदने पड़ेंगे। इसी चीज से बचने के लिए सेंटर ने अभी ऑक्शन नोट्स है जो कि जारी कर दिए, नेक्स्ट 2 वीक के अंदर मिनरल जैसे कि लिथियम है, ग्रेफाइट है, इन सब के ऑक्शन है जो कि बनाए जाएंगे। और देश के अंदर अभी 10 से 12 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके पास में टेक्नोलॉजी है कि वो क्रिटिकल मिनरल्स के माइनिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और हमारी जरूरत को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। रॉयल्टी रेट लिथियम के लिए 3% सरकार ने रखी है और 1% जो बाकी के रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनके लिए रॉयल्टी रेट है जो कि रखी है। क्रिटिकल मिनरल्स दोस्तों हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिक्योरिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि प्ले करने वाले हैं, समझ गए। लास्ट मंथ के अंदर सेंटर ने अप्रूवल है जो कि रॉयल्टी रेट्स का दे दिया था। ये पेपर में आपसे पूछेंगे कितना परसेंट रॉयल्टी रेट है जो कि लिथियम और नोबियम में रखा गया है और बाकी के जो रेयर अर्थ मेटल्स है उसके लिए कितना परसेंट है जो कि रखा गया है, समझ गए। हमारा टारगेट क्या है कि 2070 तक हमें नेट जीरो इमिशन है जो कि करना है। अब इस वाले नेट जीरो इमिशन के लिए एक बहुत बड़ा रोल है जो कि क्रिटिकल मिनरल्स प्ले करेंगे अगर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ स्विच करना है तो, ठीक है। अभी अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि लिथियम है 100% हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं, कहां कहां से, चिली से, रशिया से, चाइना से। कोबोल्ट की बात करें चाइना, बेल्जियम, नीदरलैंड, निकिल स्वीडन, चाइना हर जगह पे है ना, इतने सारे क्रिटिकल मिनरल्स है। आप देखोगे तो 100% तो हम लोग बहुत सारे मेजरली देखो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चाइना, ब्राजील, कुवैत, चाइना हर जगह पे, ओके। चलिए मेजरली अगर मैं लिथियम की बात करूं तो ये तो हम लोग साउथ अमेरिका, चिली है, अर्जेंटीना है ना, वहां से भी काफी प्रोड्यूस करते हैं। 3 कंट्रीज है वहां पे आपस में जो है वो लोग काफी प्रोड्यूस करते हैं। रेयर अर्थ मेटल्स की बात करें तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई होने लगा है। हाँ, जो काम अभी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना ने दोस्तों 1985 के अंदर ही कर दिया था। चाइना ने दोस्तों टैक्स रिबेट है जो कि घोषित कर दी थी क्रिटिकल मिनरल को प्रोड्यूस करने वालों के लिए, समझ गए। अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो उनके लिए भी, और बहुत ही कॉम्पिटेटिव मार्केट है जो कि 1985 में उन्होंने बना दिया था। 1998 के अंदर यूएस ने भी दोस्तों प्रोड्यूस करना चालू किया अपनी वहां के जो माउंटेन पास थी वहां पर लार्ज स्केल माइनिंग है जो कि यूएस ने भी करना चालू किया। 2002 के अंदर जो है इन्वायरमेंट इश्यूज की वजह से चाइनीज, यूएसए ने तो काफी कम कर दिया लेकिन चाइनीज अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते चले गए, वो और आगे करते गए तो पूरी दुनिया को उन्होंने एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। 2010 में उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए, ओके, ताकि प्राइसेस जो है वो बढ़ सके, इन्वेस्टमेंट है जो कि बढ़ सके, और वो हो भी गया, प्राइसेस बढ़ भी गए। अगर देखोगे टोटल प्रोडक्शन 2.5 लाख मैट्रिक टन का किया गया और पूरी चाइना जिसमें टोटल में देखोगे तो 2.5 लाख मैट्रिक टन में 1.40 लाख मैट्रिक टन तो सिर्फ चाइना के द्वारा ही प्रोड्यूस है जो कि किया गया है, तो ऑलमोस्ट 60-70% के समवेयर। पूरी दुनिया में ये सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी अंडर डेवलपमेंट पे ये सारे कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं, जो ब्लू वाले हैं है ना, जो रेड वाले आपको मिलेंगे ये वो कंट्रीज है जहाँ पे अभी ऑपरेट हो रहा है अर्थ मिनरल्स के ऊपर काम है जो कि चल रहा है। हमारे कंट्रीज में भी, जम्मू कश्मीर में भी अभी कुछ टाइम पहले आपको मालूम है ना लिथियम के रिजर्व मिले, और हमारे सदर्न पार्ट जो है, ईस्टर्न पार्ट जो है, यहाँ पर भी कई सारे रिजर्व हैं जिनके ऊपर काम करना स्टार्ट किया जा रहा है। यूएस ने दोस्तों ऐसे 50 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल घोषित कर रखा है, वैसे ही हमने 30 मिनरल्स को घोषित कर रखा है जो वो क्रिटिकल मिनरल्स है। सब कंट्री अपने अपने हिसाब से करते हैं, जापान ने 31 कर रखा है, यूके ने 18 को कर रखा है और हमने 30 क्रिटिकल मिनरल्स है जो कि हमने घोषित कर रखे हैं, ठीक है गाइस। चलिए, और इनकी अवेलेबिलिटी कम होती है, इनको एक्सट्रैक्शन करने के लिए ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। हमने पूरी की पूरी एक दोस्तों कंपनी बना रखी इस काम के लिए, काबिल नाम की, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जॉइंट वेंचर है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, 3 पब्लिक सेक्टर कंपनी ने मिलकर इसको बनाया है ताकि क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर काम कर सके है ना, मिनरल सिक्योरिटी हमारे देश को मिले उसके लिए काबिल को इंट्रोड्यूस किया गया। 2020 और 2023 दोनों में फर्क देखोगे अगर आप, तो मतलब 2020 से 2040 अगर आने वाले जो 20 साल में देखोगे तो हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होने वाली है। अभी देखोगे आप तो बहुत ही कम है ना इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क के लिए, और अगर आप देखोगे 2040 तक तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है, इसीलिए दोस्तों हम लोग अभी से इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बिक्की के बारे में। आपके लिए एक और गुड न्यूज भी बता देता हूं मैं, आप सबको मालूम होगा कि कुछ टाइम पहले
कुछ साल पहले तक मैं आप लोगों के लिए डेली मॉर्निंग में एक है ना 10 मिनट का एक क्विक करंट अफेयर सेशन है जो कि लेके आया करता था। अभी मैं वापस से उसी प्रकार का एक सेशन है जो कि लेके आ रहा हूँ आपके लिए। दो गुड न्यूज है, चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी मेरी क्लास जो है वो थोड़ी बढ़ाने वाला हूँ मैं, सुबह 5 बजे दोस्तों 10 मिनट का, 10 से 15 मिनट का मैं आपके लिए क्विक रिविजन करंट अफेयर शो है जो कि लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन है जो कि डेली के कवर करेंगे करंट अफेयर के, ठीक है। उसके बाद अपने 7 बजे तो क्लास होती है, 7:15 बजे होती है करंट अफेयर की, और एक 8 बजे के लिए, 8 बजे मैं डेली दोस्तों आपसे कल से ही मैं आपके SSC CGL के लिए और CHSL के लिए एक GK की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेसिफिकली इन दोनों एग्जाम के लिए, ओके। आपके अगले सेप्टेम्बर अक्टूबर में CGL एग्जाम है और जून जुलाई के अंदर आपका CHSL एग्जाम है, दोनों के अंदर आपको यहां से बहुत बेनिफिट है जो कि मिलने वाला है। जो मैं आपको यहां पे GK पढ़ाने वाला हूं, जो डेली का एक टॉपिक करवाने वाला हूं 30-40 मिनट का, और उसमें से आपको एज इट इज उस टॉपिक में से सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो डेली सुबह 8 बजे इस क्लास के बाद में ही इस क्लास को मैं स्पेसिफिकली CGL CHSL के लिए डिजाइन कर रहा हूं, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और कल से ही मैं आपको इस क्लास की शुरुआत है जो कि मैं कर दूंगा, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इस क्लास के बाद में एक GK की क्लास देख लेना, तो आपको SSC के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों के लिए एक और क्लास जो है वो रेलवे के लिए भी मैं स्टार्ट करूंगा, रेलवे का जो आपका RPF है, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा R&D करने की जरूरत है अभी, है ना। इसके ऊपर नोट्स बन रहे हैं, इसके ऊपर अभी काम हो रहा है, अभी हम लोग CGL CHSL के ऊपर काम करेंगे कल से, ठीक है। कल सुबह 8 बजे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं ओबराय के बारे में। ओबराय होटल्स आप सभी लोगों ने दोस्तों सुने भी होंगे, और अभी तक खैर आप गए तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ आज नहीं तो कल चले भी जाओगे, डोंट वरी। तो ओबराय ग्रुप्स आपको मालूम है दुनिया के अंदर दोस्तों इनके 20-30 बड़े बड़े होटल्स हैं, 2 क्रूज शिप भी इनके पास में, और दुनिया के कई सारे देशों के अंदर इनके बड़े बड़े होटल्स हैं, ठीक है। तो उनके जो चेयरपर्सन थे पृथ्वी राज सिंह ओबराय, उनकी डेथ है जो कि अभी हो गई है। पृथ्वीराज जी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एज है जो कि हो गई थी, है ना, इनके जो 94 की एज के अंदर इनकी डेथ हुई। इनके जो फादर थे ना, उन्होंने एक्चुअली के अंदर ओबराय ग्रुप की शुरुआत करी थी, और ये पृथ्वीराज सिंह ओबराय जिनको बिक्की के नाम से बहुत फेमस है, ये वो पर्सन थे जिन्होंने इस ग्रुप को बहुत आगे बढ़ाया पूरी दुनिया के अंदर। आज ताज होटल और इंडिया की तरफ से ताज और एक ओबराय, ये दो ही होटल है दोस्तों जो कि पूरी दुनिया में भारत के होटल्स फेमस है, ठीक है। चलिए 32 होटल है पूरी दुनिया में, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। 34 में ओबराय ग्रुप की शुरुआत हुई थी, और अभी जो इनके बेटे हैं विक्रमजीत सिंह, वो MD & CEO हैं, और 13,000 एम्प्लॉई जो कि इसके अंदर काम करते हैं, है ना। ये ट्राइडेंट है नरीमन पॉइंट पे मुंबई में, जहाँ पे अटैक हुआ था आपको मालूम होगा, है ना, तब ताज पे अटैक हुआ था ना, तो ट्राइडेंट पे भी हुआ था। ये ओबराय का होटल है, ट्राइडेंट ओबराय का होते हैं। ये जयपुर का राजविलास है, बहुत फेमस है। ये उदय विलास उदयपुर के अंदर, और ये सऊदी अरेबिया के अंदर एक और है मदीना नाम से, ये दिल्ली के अंदर है ओबराय का। ये इजिप्ट के अंदर है, ये क्रूज शिप है इजिप्ट के अंदर, दो इनके पास में क्रूज शिप भी है, दो इजिप्ट के अंदर, ये दोनों के दोनों, है ना। ये कोलकाता के अंदर है, दो ओबराय ग्रैंड कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की। यहाँ पे दोस्तों साइप्रस के बारे में बताया गया, मालूम है ना, एक छोटा सा कंट्री है मेडिटेरियन सी में साइप्रस। साइप्रस की तगड़ी बात क्या है कि वो 0 टैक्स कंट्री है, मतलब टैक्स हेवन माना जाता है। तो दुनिया के 7,500 अरबपतियों ने वहाँ पे अप्लाई किया था ताकि उनके देश के से वो छुटकारा मिल सके टैक्स से भी, और लॉ उनको नहीं पकड़ सके। गोल्डन पासपोर्ट जो कि ये लोग देते हैं, तो हमारे देश के भी कुछ लोगों को दे रखा है गोल्डन पासपोर्ट इन्होंने, जैसे कि एक तो पंकज उसवाल है, उनको भी वहाँ पे सिटीजनशिप मिल गई है, कुछ करोड़ उन्होंने लगाए सिटीजनशिप लेके बैठे हैं, है ना। एक है दोस्तों रियल एस्टेट के टाइकून है साइप्रस, सुरेंद्र हिरानंदानी, और एक है दोस्तों विनोद अडानी, जो गौतम अडानी है उनके बड़े भाई हैं, उनको भी वहाँ पे सिटीजनशिप है जो कि मिल चुकी है, ठीक है। 66 ऐसे इंडियंस हैं जो कि गोल्डन पासपोर्ट लेकर साइप्रस की ले चुके हैं। इंडियन एजेंसीज दोस्तों इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अब, क्योंकि ये वहाँ के सिटीजन है जो कि बन चुके हैं, ठीक है। तो अपने पैसों को टैक्स से बचाने के लिए और ब्लैक को वाइट करने के एक बहुत बड़े तरीके हैं, जो कि ऑफशोर कंपनीज बना के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ऑफशोर जब इन्वेस्टमेंट करते हो आप, है ना, तो काफ़ी पैसा आपके पास में फ्लोट होता है, और कई लोग हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज में उससे सिटीजनशिप ले लेते हैं, जैसे कि लोग कई बर्मुडा के ले लेते हैं, है ना, मेहुल चौकसी ने कई कैरेबियन कंट्री के ले रखी है, इस तरीके से लोग ले लेते हैं ताकि एजेंसीज जो है फिर वहाँ पर उनको नहीं पकड़ सके। ये कहानी है दोस्तों, फ्रंट पेज पे इन्वेस्टिगेशन करी गई है। हमारे लिए जो जरूरी है वो है दोस्तों, आज 15th of November है, आज आप सबको मालूम ही है दोस्तों आज बिरसा मुंडा जी का बर्थडे है, और आज ही का दिन जो है वो झारखंड का स्टेट का फॉर्मेशन भी हुआ था, ठीक है। तो फाउंडेशन डे है जो कि झारखंड आज सेलिब्रेट कर रहा है। बिटसेट ये एक नया सेक्ट है दोस्तों जो कि बनाया गया था इनके द्वारा,
जब कई सारे क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो कन्वर्ट कर रहे थे लोगों को, आपको मालूम है ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, उस टाइम पे दोस्तों इन्होंने जो है लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि हम लोग खुद ही जो है हमारी चीज़ों को ही अच्छा बनाएंगे, आपको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। तो फिर लोगों ने एक ब्रिसेट सेक्ट है जो कि खुद ने बना लिया था, जहाँ पे मतलब उस जमाने में आप सोचिए आज से 100 साल पहले भी लोगों ने जो है ना अपने इतनी अच्छी प्रैक्टिसेस जो है इस सेक्ट में स्टार्ट करी थी कि अपने आसपास सफाई रखेंगे, है ना, महिलाओं को एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे, अनटचेबिलिटी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी किसी को ऊपर नीचे के भेदभाव से नहीं देखेंगे, इस तरीके के सेक्ट के अंदर प्रिंसिपल्स जो कि बनाए गए थे। सोचिए मतलब फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, फिर भी इतनी समझदारी थी कि एक ह्यूमन को कैसे ह्यूमन समझना चाहिए, समझ गए। कई बार बोलते ना कि आप एजुकेशन लेकर भी वो नहीं पा पाए जो कि बिन एजुकेशन के पा गया, ये वो वाली कहानी है। चलिए, और इसके लिए सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए होता है, एजुकेशन की भी जरूरत नहीं होती। तो मुंडा और ओरियन कम्युनिटी, इन्होंने दोस्तों ब्रिसेट सेक्ट को ज्वाइन किया था ब्रिटिश के जो चैलेंजेस थे उनको काउंटर करने के लिए। बहुत बड़ा रिबेलियन भी हुआ था जिसको मुंडा रिबेलियन कहते हैं 1899-1900 के अंदर रांची के अंदर, और उसी के बाद में ब्रिटिश की जो लैंड पॉलिसीज थी उनको बदलनी पड़ी, है ना। ये समझ में आ गया मनी लैंडर्स को भी कि भाई अब हम लोग और एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, ब्रिटिशर्स को भी समझ आ गया था कि हम लोग जो है और अब फॉरेस्ट में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं उनसे लड़ के हम लोग उनको उनके जो राइट्स है वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेट ट्यूमल्ट उसको नाम है जो कि दिया जाता है, ट्रेडिशनल सिंबल और लैंग्वेज यूज करी गई, है ना, और वाइट फ्लैग है जो कि यूज किया गया था अपने खुद का किंगडम को एस्टैब्लिश करने के लिए। 1900 के अंदर बिरसा मुंडा जी को ब्रिटिश पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया जब वो सो रहे थे ट्राइबल गोरिल्ला आर्मी के अंदर फॉरेस्ट के अंदर, और बाद में कोलेरा की वजह से जेल के अंदर उनकी डेथ है जो कि हो गई थी। इस मूवमेंट से ये हुआ कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है जो कि ला दिया गया 1908 के अंदर, जिसमें ट्राइबल्स को उनके फॉरेस्ट के लैंड के राइट से जो कि दे दिए गए, और साथ में उनके जो इनजस्टिस के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करने की कैपेबिलिटी है वो भी ब्रिटिशर्स को पता चल गई। झारखंड की बात करें, झारखंड दोस्तों बॉर्डर शेयर करता है बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के साथ में। छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है उसके सराउंडेड है, आपको दामोदर, है ना, ब्राह्मिनी, कायकाई, ये सब रिवर्स आपको सुबर्णरेखा, ये सारी फेमस रिवर्स है जो कि देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको दोस्तों झारखंड के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिफेंट और टाइगर्स काफी मिलेंगे। बैटला नेशनल पार्क बहुत फेमस है, है ना, 40% से लेकर 40% जो देश के मिनरल्स है ओके वो आपको झारखंड में मिलेंगे। 29% कोल जो है वो आपको झारखंड में मिलेगा। 32 ट्राइबल ग्रुप है जो कि आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर मुंडा, कौल, सेंथाल, ओरियन, है ना, कौंड, ये सारे के सारे मेजर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आईना डैशबोर्ड को लेकर। आईना, ये आईना डैशबोर्ड जो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स के द्वारा किया गया है, ताकि जो सिटीज, एक सिटीज का पोर्टल है जिसमें हर एक सिटी अपने जो काम कर रही है, जो डेवलपमेंट कर रही है, जो है ना, जो उसको डाटा है उसके पास में उस शहर का, वो सारा का सारा अपलोड कर सके, इसको लेकर ये आईना डैशबोर्ड है जो कि बनाया गया है, समझ गए, ताकि हर एक सिटी की परफॉर्मेंस को एनालिसिस किया जा सके, पता किया जा सके कि वो वहां पे क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या काम हो रहे हैं, उसको लेकर ये डैशबोर्ड कैटेगराइज किया गया है। 5 पिलर्स के ऊपर इसको बनाया गया है, पॉलिटिकल एंड एडमिन इंफ्रा, फाइनेंस प्लानिंग, सिटीजन सेंट्रिक, डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज, ये सारा डाटा है जो कि हर शहर को डालना है। आगे बात करते हैं दोस्तों जेंगलोसिस एटनबोरेंगी, ये एक दोस्तों जानवर का नाम है जो कि एटनबर्ग के नाम पर रखा गया है, बहुत ही फेमस दोस्तों आपको मालूम है डेविड एटनबर्ग, रिचर्ड एटनबर्ग दो भाई है, एक तो बहुत अच्छे फिल्म मेकर है और एक बहुत अच्छे जो है वो नेचर को लेकर काम करते हैं, तो उन्हीं के नाम पर जो है इस जानवर को रखा गया, जो कि बहुत मुश्किलों से देखने को मिलता है। इसकी बॉडी के ऊपर स्पाइक्स होते हैं बहुत सारे, है ना, साइंटिस्ट ने दोस्तों रिसेंटली इसको रीडिस्कवर किया है बहुत सालों के बाद में, डेविड एटनबर्ग के नाम पर जो है इंडोनेशिया के पेपुआ रीजन के अंदर एटनबरंगी नाम से इसको रखा गया है, ठीक है। ये बहुत ही शाय होता है, रात को निकलता है, इसलिए देखने को मिलता ही नहीं है, बहुत सालों के बाद में, डिकेड्स के बाद में इसको वापस से देखने को मिला है। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से है ये, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है जो कि है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों कल था 14th of November, 14th of November को पूरे देश में चिल्ड्रन डे है जो कि मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है। नेहरू जी दोस्तों बच्चों को बहुत प्रेम किया करते थे, बच्चों के लिए भी नेहरू जी बहुत ज़्यादा बहुत प्यारे थे, है ना, और हमेशा जहाँ पर भी बच्चों को देखते थे हमेशा उनसे बात करना, मिलना, बहुत प्रेस करना, बहुत, है ना, उनका रिलेशन बहुत ही ज़बरदस्त था बच्चों के साथ में, इसीलिए दोस्तों उनके बर्थ एनिवर्सरी को जो है वो बाल दिवस के तौर पर पूरे देश में मनाया जाता है, हमारे पहले प्रधानमंत्री के जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के बने थे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, तो 14th of November 1889 को इलाहाबाद के अंदर है जो कि इनका जन्म हुआ। मोतीलाल नेहरू जी दोस्तों इनके फादर थे और साथ में स्वरूप रानी जो थी इनके मदर का नाम था।
कुछ साल तक इन्होंने घर पे ही पढ़ाई करी अपनी, 16 साल तक तो इनको घर पे ही पढ़ाया गया था, है ना, टीचर घर पे आके पढ़ाया करते थे, होम स्कूलिंग हुई थी। उसके बाद में दोस्तों ये इंग्लैंड चले गए, एक बहुत ही फेमस स्कूल है हैरो, है ना, वहाँ पे 2 साल इन्होंने गुजारे। उसके बाद में ट्रिनिटी कॉलेज जो है कैम्ब्रिज के अंदर, वहाँ पे 3 साल इन्होंने गुजारे, वहाँ पे पढ़ाई करी। फिर लंदन के अंदर इनर टेम्पल से दोस्तों बैरिस्टर वकील की जो है इन्होंने वकालत है जो कि वहाँ पे करी। तो काफ़ी पढ़े लिखे, काफ़ी ग्लोबल एक्सपोजर था, काफ़ी दुनिया के बड़े बड़े लीडर से मिले हुए थे, मतलब हाईली इंटेलेक्चुअल, हाईली पढ़े लिखे पर्सन थे। 1912 के अंदर दोस्तों भारत वापस लौट के आए, उसके बाद में इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर ये शामिल हो गए। जब देखा कि यहाँ पे तो खैर पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो बेसिक चीज़ें ही जो अवेलेबल लोगों को नहीं हो पा रही है, उसके बाद में इन्होंने दोस्तों बेकिमपुर कांग्रेस के अंदर नेहरू जी ने पार्टिसिपेट किया 1912 के अंदर। 16 के अंदर एनी बेसेंट के होम रूल लीग के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया, सेक्रेटरी भी बने दोस्तों इलाहाबाद रीजन के होम रूल लीग के एनी बेसेंट के अंडर में। 1920 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया महात्मा गांधी जी के साथ में। 21 के अंदर उन्होंने एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी की वजह से उनको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। 23 के अंदर जनरल सेक्रेटरी बने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। 27 के अंदर दोस्तों सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी के जो है वो जनरल सेक्रेटरी बने। 28 के अंदर लाठीचार्ज हुआ लखनऊ के अंदर 1928 में, वहां पे दोस्तों एक प्रोटेस्ट जो कि लीड कर रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ, और वहां पर नेहरू जी को पकड़ लिया गया, कई साल जेल में डाल दिया गया। 1929 के अंदर लाहौर सेशन के अंदर आईएनसी के प्रेसिडेंट जो कि इलेक्ट करे गए, और वहां पे एक साल बाद ये जेल से छूटे, और उसके बाद में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो है इन्होंने 1929 के अंदर डिमांड रखी। 1929 से लेकर 1931 तक रिजोल्यूशन पास किया फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर, जो कि बाद में हमारा मेजर गोल है जो कि बन गया कि हमें फंडामेंटल राइट्स है और इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि चाहिए देश में आगे बढ़ाने के लिए। 1931 के अंदर दोस्तों कराची सेशन के अंदर 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जब प्रेसिडेंट थे तो ये रिजोल्यूशन है जो कि पास किया गया। सॉल्ट सत्याग्रह में 1930 के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद में इनको वापस से ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया। नेहरू जी बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर है जो कि बने दोस्तों कांग्रेस के, और गांधी जी के बहुत ही क्लोज थे, है ना। 1936 के अंदर लखनऊ सेशन में आईएनसी के प्रेसिडेंट वापस से बने, उसके बाद में इनको वापस से ब्रिटिश के द्वारा पकड़ के जेल में डाल दिया गया। 1940 के अंदर सिविल डिसोबीडियंस में वापस से दोस्तों ये बाहर आए, वापस से ब्रिटिशर्स के द्वारा पकड़ के 4 साल जेल में डाल दिया गया। तो कई साल, मतलब देखो गांधी जी नेहरू जी दो ऐसी पर्सनैलिटीज है जिन्होंने अपने 10-10, 20-20 साल तो सिर्फ जेल में निकाल दिए अपने पूरे जीवन के। ब्रिटिश पूरे उस फेज के अंदर बाहर आते, फिर 1-2 साल काम करते, फिर जेल में अंदर, फिर बाहर आते, फिर 2-4 साल करते, फिर जेल में। इस तरीके से दोस्तों उनके जीवन को अगर आप थोड़ा स्टडी करोगे तो आपको बहुत सारे साल है जो कि जेल में देखने को मिलेंगे। 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट में भी दोस्तों इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और वापस से ब्रिटिशर्स ने पकड़ के जेल में डाल दिया, ठीक है। और अहमदनगर फोर्ट के अंदर जो कि इनको अरेस्ट कर लिया गया। 45 के अंदर ये 42 में जेल में गए, 3 साल वापस जेल में रहे, 45 में रिलीज हुए वापस से। दोस्तों इंडियन अपने जो INA थी ना, बहुत कम लोगों को पता है कि जो अपनी INA थी ना, INA के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे, हमारे जवान थे जो ब्रिटिश आर्मी के थे, लेकिन छोड़ के हमारे सुभाष चंद्र बोस से इंस्पायर होकर उनकी सेना में गए थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने पता है क्या किया, जो जो जवान गए ना उनके खिलाफ केस करना चाहे, उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन सारे के सारे जवानों के लिए लीगल केस जो कि लड़ा था 1945 में, ताकि उन सभी जवानों को कुछ भी जो है वो ब्रिटिशर्स नहीं कर सके, ठीक है। चलिए इसके अलावा 1946 के अंदर प्रेसिडेंट बने वापस से 4th टाइम INC के, और जो स्ट्रेटेजी का रिकमेंडेशन भी दिया कि कैसे पावर ट्रांसफर है जो कि होनी चाहिए। इंटरिम गवर्नमेंट बनी जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने, और इंडिपेंडेंट इंडिया के भी पहले प्राइम मिनिस्टर है जो कि बन गए। ओके, हमेशा सोशलिज्म के ऊपर हमेशा 3 मेजर प्रिंसिपल्स थे इनके, कि एक तो देश यूनाइटेड रहे, एक देश में सोशलिज्म रहे और डेमोक्रेसी रहे, और साथ में सेकुलरिज्म भी रहे। इन प्रिंसिपल्स के ऊपर, 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर नेहरू जी के द्वारा देश की स्थापना करी गई। ओके, कुछ किताबें लिखी गई, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी है, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, देन ऑटोबायोग्राफी, लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, इंदिरा गांधी जी को कुछ लेटर लिखे गए थे वो यहाँ पे बताए गए। 27 मई 1964 को इनका डेथ है जो कि हुआ था। कई सारे सवाल भी दोस्तों सिविल सर्विसेज में पूछे गए, जैसे कि 2010 में कराची सेशन जो था INC का 1931 का, है ना, जिसको सरदार पटेल प्रेसाइड कर रहे थे, उसमें किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था रेजोल्यूशन फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक प्रोग्राम को लेकर। तो आपको मालूम ही है, मैंने आपको बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे के द्वारा किया गया। इंडिविजुअल सत्याग्रह जब आंदोलन हुआ तो विनोबा भावे तो पहले सत्याग्रही थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे 2009 में सिविल सर्विसेज में पूछा गया। जो दूसरे थे वो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये सेम सवाल CGL के अंदर भी अभी 2021 या 22 के अंदर जो कि पूछा गया था।
नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस जिसको जैम पोर्टल है जो कि कहा जाता है। जैम पोर्टल पे 2,00,000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस है जो कि हो चुका है दोस्तों। ये डाटा है जो कि अभी रिसेंटली बताया गया है। गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल क्या है, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। गवर्नमेंट के सारे जो टेंडर है, प्रोजेक्ट्स है ना, जो भी सप्लाई जो भी चाहिए होती है वो सारे ये लोग डाल देते हैं, और फिर जिसको भी जितने भी बिजनेसमैन है वो जैम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाओ, और उसके बाद उनको किस अपने जो भी सरकारी काम है जो उनको चाहिए तो फिर वो अपना बिट मार के वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो बीच में मिडिलमैन था ना उसको रिमूव करने के लिए पोर्टल है जो कि बनाया गया कि सरकार को जो चाहिए वो बिजनेसमैन से ऑनलाइन है जो कि खरीद ले, प्रोक्योरमेंट कर ले। सेलर और बायर को मिलाने के लिए दोस्तों ये काम है जो कि किया गया था, ठीक है। पहले बीच में बहुत कमीशनिंग होती थी, अभी वो कमीशनिंग बंद करने के लिए जो जो मिनिस्ट्रीज को चाहिए वो सब डाल देते हैं जैम पोर्टल पे। जिस जिसको सप्लाई करना है वो अपना बिट मारो, जो भी कम में मारेगा उसको प्रोजेक्ट है जो कि मिल जाएगा, समझ गए, इस तरीके से करता। हालांकि कर्मचारी सरकारी और भी स्मार्ट हो गए, जिसको मिलता है फिर उससे कमीशन ले लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन काफ़ी फायदा है जो कि ऐसे ऑनलाइन पोर्टल से होता है। विजन यही है ना कि प्रमोट करें ट्रांसपेरेंसी, इफिशियंसी और साथ में इंक्लूसिवनेस। ओके चलो, तो ये बायर्स को बेनिफिट है और ये सेलर्स को बेनिफिट है, दोनों डायरेक्टली जो है वो एक दूसरे से मिल सकते हैं। और इस प्रकार के दोस्तों साउथ कोरिया ने भी एक प्लेटफॉर्म है कॉनेस पर के बना रखा है, वैसे ही जेई बेस करके सिंगापुर ने भी बना रखा है, और जैम जो है वो इंडिया ने बना रखा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरिया का है, सेकंड थर्ड नंबर पे सिंगापुर और हमारा है। ओके नेक्स्ट बात करते हैं लेक टिटिकाका को लेकर। देखो लेक जो है ना टिटिकाका जो कि साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलती है, ये क्लाइमेटिक इश्यूज की वजह से श्रिंक होती जा रही है, तो उसकी वजह से दोस्तों इसको लेक के बारे में चर्चा करी गई है। टिटिकाका देख रहे हो आप, बोलीविया, पेरू और चिली, ये 3 कंट्रीज के बॉर्डर के ऊपर आपको देखने को मिलती है, समझ गए, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। मतलब चिली का बॉर्डर तो नहीं है, खैर पेरू और बोलीविया के बॉर्डर के बीच में ही है, पेरू और बोलीविया, ये दोनों कंट्रीज का नाम याद रखिएगा। ओके दुनिया के और भी कई सारे फेमस लेक्स हैं, जैसे कि ग्रेट लेक तो आपको मालूम ही है, 5 लेक हैं है ना, वैसे टिटिकाका ये हो गई, ये टैंगानिका भी बहुत फेमस है साउथ अमेरिका की, विक्टोरिया अफ्रीका की फेमस हो गई है ना, अरल सी अपने वेस्ट एशिया, ये रशिया का लेक बेकाल, ये कैस्पियन सी है, तो ये सारे के सारे ये है ना कनाडा वाले के अंदर ग्रेट बियर लेक, स्लेव लेक, ये सारे के सारे बहुत फेमस है। ऑलराइट चलिए नेक्स्ट, ये था दोस्तों आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। आज लास्ट डे है दोस्तों क्लास 24 पे डिस्काउंट का, आप अपना रेफरल कोड D15 यूज करके मेरे सारे नोट्स जीके के साथ में आप SSC रेलवे और भी कई सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन है जो कि कर सकते हैं। आपको कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे UGC नेट के लिए, CSIR के लिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए दोस्तों कई सारे है ना, आपको इस क्लास के PDF और क्विज दोनों आपको क्लास 24 पे अवेलेबल हो जाएगी। ओके ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। कल से दोस्तों सुबह 5 बजे और साथ में 8 बजे भी हम लोग CGL का लेक्चर है।